और यही लोग सुन रहे सुन रहे जेड़ा सुनिया गया वो भी तो इनका हाल देखे एक आता है सामने ओ जी मैंने 8 दिन कह दिए तन्हाई का की अब मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूं और साथ मैं जो है वो सियासत भी छोड़ रहा हूं। 8 दिन की कह दिए तन्हाई और यही लोग सुन रहे सुन रहे जेड़ा सुनिया गया वो भी तो और यही लोग सुन रहे यही लोग जब बरसरे इक्तदार थे तो अपने मुंह से आग निकालते थे, ये कहते थे कि मुस्लिम लीग नून जो है इसको तो हम सियासत नहीं करने देंगे। दूसरा आता है यानी जो गवर्नर रहा, अब आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा ओहदा क्या हो सकता है, जो गवर्नर रहा वो आगे कहता है कि जी मैं 12 दिन कैदे तन्हाई में रहा और 12 दिन की कैदे तन्हाई के बाद मैं अब पीटीआई खुदा हाफज इमरान खान अल्लाह हाफज ये जमात है ये जमात है। और मैं आपको बात बता दूं कि ये माफी सिर्फ उनको मिलेगी जिनका जुर्म काबिले माफी है, जिनका जुर्म काबिले माफी नहीं है वो नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो माफी नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में 2 वाकयात हुए, एक इन्होंने मेरे घर को जलाने की कोशिश की, वहां पे आप पहुंच गए, तो जब शेर पहुंच गए तो जब शेर पहुंच गए तो फिर ये जाली टाइगर जो थे वो भाग गए। एक इन्होंने आईएसआई के दफ्तर पर हमला किया, पथराव किया, आग लगाने का मंसूबा था, उन्होंने अपना दिफा किया और ये कामयाब ना हो सके। आईएसआई हमारी एजेंसी है जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है, फौज से पहले एक फर्स्ट डिफेंस लाइन है और वो हमारी वो एजेंसी है। अब इनसे बंदा कोई पूछे कि अगर तुम्हें कैदे तन्हाई इतनी ही जो है वो मुश्किल लगती थी तो तुम 3.5-4 साल हुकूमत में रहे हो, तुम ये कह देते कि जो कैद होगा वो विद फैमिली जो है वो जेल में रहेगा, ये कानून में तरमीम कर देते। उस वक्त तो तुम अमेरिका में जाके भी ये कहते थे कि हाँ मुझे याद आ गया मियां नवाज शरीफ जेल में है, उसे घर का खाना मिल रहा है, उसे दवाइयां मिल रही हैं, मुझे तो पता चला है कि उसके कमरे में एसी लग गया है, मैं जाके सबसे पहला ये काम करूंगा कि मैं उसका खाना भी बंद करूंगा, मेडिसिन बंद करूंगा और उसका कमरे से एसी उतारूंगा। खुद जो है वो इसकी ये औकात रही है। अब आप यकीन करें कि हमें खुद अफसोस हो रहा है, हमें खुद दुख हो रहा है, इस बंदे ने नौजवानों के जेनों में ऐसा जहर घोला है कि पढ़े लिखे नौजवान, अच्छे भले जॉब पे काम करने वाले नौजवान, वो नौजवान जो हैं उन्होंने ये गलती की और ऐसी गलती की है कि उनका मुकदमा जो है वो काबिले माफी के जुमरे में नहीं आता, उनकी जिंदगियां जो है वो बर्बाद हो जाएंगी, उनके मां बाप रो रहे हैं और इसको बद दुआएं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितनी बद दुआएं से ये पिछले जो है वो 10-12 दिन में मिली हैं, उन बद दुआओं से इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये बद दुआएं जो दी जा रही हैं उनके नतीजे में
जो है वो माँ बाप जो है वो मरे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे, कोई ग्रेजुएट है, कोई डबल ग्रेजुएट है, कोई आईटी फर्म में काम कर रहा है, कोई किसी और जॉब पे है, कई लोगों के डेढ़ डेढ़ दो दो लाख के जॉब है। कैप्टन कर्नल शेर खान वो कैप्टन था, नाम उसका कर्नल शेर खान था। वो बहादुर कि जब वो शहीद हुआ तो इंडिया का जर्नैल कह रहा है, इंडिया का जर्नैल, आपने सुनी होगी उसकी वीडियो, वो कह रहा है कि मुझे इतना रश्क आया कि यार वाह, ये ऐसा जरी जवान, ऐसा बहादुर जवान, इतनी बेबाकी से और बहादुरी से लड़ा है। तो मैंने कहा अपनी फौज से कि उसे उतार के नीचे लेके आओ, उसे उतार के नीचे लेके आओ, मैं उसे सलूट करना चाहता हूं। यानी हमारे वो शोहदा जिनको हमारा दुश्मन भी सलूट करे, उनको ये बदबख्त जो है वो उनकी यादगारों पे उनके मुजस्मों को तोड़े, उनको आग लगाएं और उसके बाद कहें कि आप हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें। हम अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम शोहदा की फैमिली को क्या जवाब देंगे? हम उनका सामना कर सकते हैं? हम उनका बिल्कुल सामना नहीं कर सकते। और अफवाज पाकिस्तान को इसने यही नहीं किया, ये बात भी अब जब ये सारे मामलात की इंक्वायरीज होंगी तो इस फितने के जुम्मे लगेगी। मैं वक्त से पहले बात नहीं करनी चाहता, लेकिन इसने आर्मी चीफ की तैनाती के मौके पे इसने आर्मी को तकसीम करने की एक नापाक जसारत की। इसने कोशिश की, अगर ये इस कोशिश में कामयाब हो जाता तो शायद इसके गैर मुल्की जो आका हैं उनकी जो है वो उम्मीदें बाहर आ जाती। इनके इसके गैर मुल्की आका जो है वो इसका बड़ा दम भर रहे हैं, वो इसका बड़ा दम भर रहे हैं। एक 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 वो है जलमे खलील, वो बड़े ट्वीट कर रहा है, रोज ट्वीट कर रहा है, मेरे खिलाफ ट्वीट कर रहा है। तो ये इसके गैर मुल्की आका जो है, जितनी मर्जी आप इसकी जो है वो हमायत करें, अल्लाह के फजल से इस फितने को कौम ने शनाख्त कर लिया है, इदराक कर लिया है, हमारे शुहदा की फैमिलीज ने शनाख्त कर लिया है, इदराक कर लिया है। अब ये फितना जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। मैं अपने गाजियों के साथ और उनकी फैमिलीज के साथ हजारे जमजेती किया है। मैं आप सबका, एक एक बुजुर्ग का, जवान का, बेटे का, अब मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम पार्लियामेंटेरियंस और तंजीम के होदेदारान, जिन सब को मैंने देखा है, जो सब अपने हलकों से जो है वो रैलीज लेके आए हैं, मैं उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे भाइयों, आपको आखिरी बात सुन ले। YouTube पर Googly TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।